गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी एकता। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज मैं बहुत ही प्यारा सा मतलब ये कि टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि फाउंडेशन है, सबके दिमाग में चलता है। बहुत सारे यूट्यूब पर भी वीडियो पड़े हुए हैं इन सबके कि हाउ टू यूज़ फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन को फ्लॉलेस कैसे बनाएं, लेकिन कोई भी पूरी डिटेल्स नहीं देता इस बारे में कि किस तरीके से जो भी बिगनर है जिनको फाउंडेशन या फिर मेकअप का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो किस तरीके से इस चीज़ की शॉपिंग करें। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इजी करने वाली हूँ। मैं हर चीज आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ। बस आप लोगों को इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है गाइस, लास्ट तक देखना है। अगर आप अपने फाउंडेशन को और अच्छा दिखाना चाहते हो, अपने मेकअप को और अच्छा फ्लॉलेस बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पर अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। मैं एक चीज़ आप लोगों को पहले क्लियर कर देती हूँ कि आप लोग जब भी फाउंडेशन बाय करते हो तो फाउंडेशन क्या होता है ना कि चार फॉर्म में आता है, मतलब चार तरीके के फाउंडेशन होते हैं। एक तो होता है लिक्विड फाउंडेशन, दूसरा होता है स्टिक फाउंडेशन, तीसरा होता है क्रीम फाउंडेशन और चौथा होता है मॉश। मॉश में आता है। मैं आपको बता दूं, जो लिक्विड फाउंडेशन होता है वो फॉर ऑयली स्किन होता है, जस्ट बिकॉज कि ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए मतलब स्किन में आपके। और जो मॉस फाउंडेशन और क्रीम फाउंडेशन होता है वो नॉर्मली ऐसा होता है कि ड्राई टू नॉर्मल टू ड्राई स्किन की तरफ होता है, और लिक्विड जो और स्टिक फाउंडेशन जो होता है वो ऑयली स्किन से नॉर्मल स्किन की तरफ होता है। तो आप उस तरीके से आप फाउंडेशन को अपने चूज कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप फाउंडेशन बाय करने जाते हो तो आप फाउंडेशन बाय करने से पहले आप उसका ये जरूर देखो कि वो आपके स्किन टोन से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, जब भी फाउंडेशन फ्लॉलेस तभी दिखेगा, फाउंडेशन आपका तभी नेचुरल दिखेगा जब आपका फाउंडेशन आपके स्किन टोन का होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग दूसरे के फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं कि मैं उनका फाउंडेशन यूज़ कर लेती हूँ, मुझे एक बार यूज़ करना है, दो बार यूज़ करना है। ऐसा कुछ नहीं होता। सबके स्किन टोन अलग होती है। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर फाउंडेशन की शेड के बारे में मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप जब मार्केट में निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने शेड्स हैं, मतलब 100 से 150 शेड्स हैं जो कि अपने स्किन टोन के होते हैं। तो आप कैसे आप ये सोच सकते हो कि उसका फाउंडेशन मेरे से मैच हो जाता है? हाँ, थोड़ा बहुत चल जाता है, आपको लग जाता है कभी भी नाइट पार्टी में, तो थोड़ा बहुत चल भी जाता है। लेकिन अगर आप डे की पार्टी में कहीं जा रहे हो तो वो ना ऐसा लगेगा बनावटी सा, जैसे लगेगा कि आपका इतना सा फेस अलग ही कलर में जा रहा है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है। और जब भी आप फाउंडेशन चेक करते हो तो फाउंडेशन कभी भी आप यहाँ हैंड पे लगा के चेक मत कीजिए। बहुत लोग होते हैं यहाँ फाउंडेशन लगाया ऐसे मेल्ट किया और देख लिया, तो इस तरीके से नहीं देखिए। हाँ, वही लोग देख सकते हैं जिनका, कई बार ऐसा होता है ना कि आपका हैंड जो होता है वो आपके फेस से ही मैच नहीं होता, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो पहले वो लोग यहाँ पर ट्राई करें जिनका एक्चुअली में सारी स्किन पर, पूरी बॉडी की स्किन एक जैसी हो। फेस और हाथ इस तरीके से अपने फेस पे लगा के देखें और दोनों का टोन देखें कि सेम सेम है, जैसे कि मेरा है तो मैं एक तरीके से देख सकती हूँ। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कई लोगों का स्किन जो फेस जो होता है वो काफ़ी फेयर होता है, पर बॉडी जो है काफ़ी टैन होती है, या फिर टैनिंग की वजह से, या फिर थोड़ा सा शेड उनका डाउन होता है, तो ऐसा होता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है? तो आपको कैसे आपको चूज करना है फाउंडेशन, आप जब भी फाउंडेशन शॉप से आप लेने जाते हैं, या फिर मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आप पहली बार बिगनर हो, अगर आप पहली बार फाउंडेशन लेने जा रहे हो तो आप शॉप से ही लीजिए, ऑनलाइन फाउंडेशन परचेज मत कीजिए, क्योंकि आपको शेड नहीं समझ में आएंगे। तो आप जाके सामने से लीजिए। अगर आपको वहां भी कंफ्यूजन हो रही है, आपको लगता है कि नहीं मैं किसी शॉप से लूंगी, वहां पे भी मुझे नहीं समझ में आएगा, या मैं खुद से चूज नहीं कर सकती, ऐसे केस में आपको क्या करना है कि फाउंडेशन मतलब जो भी आप किसी अच्छे किसी ब्रांड के शॉप पे जाओ, जैसे कि कलर बार हुआ, आपका लॉरियल हुआ, ऐसे आप ब्रांड से पास जाओगे तो उनके पास क्या होता है कि वो प्रॉपर हमारे शेड की ही चीज़ें हमें दिखाते हैं, जो शेड्स होते हैं हमारे उसी हिसाब से बताते हैं हमें, तो हम देख सकते हैं। आप जब भी लो उनसे एक मिरर मांगो और कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी निकालो और यूं इस तरीके से यहाँ पर स्प्रेड करो। आप यहाँ पर उसे अप्लाई करो, इस तरीके से कुछ खींचते हुए ऐसे अप्लाई कर दो, और अप्लाई करने के बाद उसको मिरर में देखो कि आपके स्किन टोन से वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपको अपना फाउंडेशन चूज करना है। तो गाइस, अब हम बात करेंगे कि हमें किस तरीके से फाउंडेशन यूज करना है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले फाउंडेशन यूज करने से पहले आपके स्किन को जितना ज्यादा आप मॉइस्चराइज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा, उतना फ्लॉलेस आपका मतलब सटल सा फ्लॉलेस सा आपका मेकअप दिखता है, आपका फाउंडेशन दिखता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। देखिए, फाउंडेशन अगर आप अच्छे से अप्लाई करोगे तो वो आप
को और अच्छा दिखाएगा। अगर आप उसे जरा सा भी गंदे तरीके से दिखाने की कोशिश करोगे, फटाफट यहाँ वहां लगाया और निकल गए, या फिर आपने उसके शेड्स पे ध्यान नहीं दिया, तो आपको वो आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है ना उसको भी वो बेकार बना सकता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ नेचुरल वीटा रिच का ममा अर्थ का फेस क्रीम। जो भी आपका मॉइस्चराइजर है आप उसके साथ कंफर्ट हो आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप अब इस चीज का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो भी मॉइस्चराइजर आप यूज कर रहे हैं वो काफी हाइड्रेट होना चाहिए, काफी कहते हैं उसका टेक्सचर जो होता है ना वो काफी क्रीमी होना चाहिए, काफी लाइट वेटेड होना चाहिए। मैं एक चीज बोलूंगी, जैसे इसका है बिल्कुल पानी जैसा, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको अपने फेस पे इसको कुछ इस तरीके से मसाज करते हुए आपको आप देख रहे होंगे कितने अच्छे से ये मेल्ट हो गया पूरा, और स्किन थोड़ी सी शाइनी हो जाती है। क्या होता है ना कि हमारे स्किन के सेल्स के जो पीएच लेवल होता है ना इसको ये मेंटेन करके रखता है। तो मॉइस्चराइजर तो बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा अगर आपको आपका फाउंडेशन शटल सा दिखाना है। इसके बाद बात आती है प्राइमर की। मैं यहाँ पर प्राइमर यूज कर रही हूँ इनसाइड का, लेकिन गाइज मैं आपको बता दूँ जिनके पास प्राइमर नहीं है उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके पास घर में अगर एलोवेरा जेल पड़ा है, मोस्टली आजकल सबके पास होता है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो भी पूरी तरीके से प्राइमर का काम करता है, पूरी तरीके से आपके मेकअप को सेटल कर देता है, फ्लॉलेस बना देता है, आपके जो पोर्स होते हैं उनको पूरा ब्लर कर देता है। तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो उस केस में आपको यूज क्या करना है कि आपको मॉइस्चराइजर यूज करने से पहले आपको आइस जो है आइस क्यूब जो होता है उसको एक कॉटन का रुमाल जो आपके पास होता है उसमें डालना है, और उस तरीके से आपके फेस को काफी मतलब करीब मैं बता दूं आपको 10 से 15 मिनट आपको रब कर लेना है। अगर आप कहीं सी पार्टी में जाने वाले हो आपको थोड़ी देर बाद मेकअप करना ही है, तो आपके पास अगर उसके पहले जो टाइम बचता है उसमें आप इस चीज को कर सकते हो। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपका पोर्स होता है वो थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है तो मेकअप भी काफी सटल सा दिखता है, और दूसरा ये कि आपका जो मेकअप है वो काफी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो मैं यहाँ पर प्राइमर यूज करूंगी। प्राइमर जो होता है ये मैं आपको बता दूं कि पोर्स को तो ब्लर कर ही देता है, और काफी ना तो कहते हैं ना फ्लॉलेस सा दिखने लगता है आपका जो मेकअप है या फाउंडेशन जो है वो आपका काफी फ्लॉलेस बना देता है। तो ये मैं वहीं पर अप्लाई करूंगी जहां पर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पोर्स हमारे ओपन होते हैं, या फिर जहां पर हमारा जो फाउंडेशन है वो काफी पैची सा दिखने लगता है या फिर अच्छे से मेल्ट नहीं होता है। तो मैं कुछ इस तरीके से जहां जहां मुझे जरूरत है जो हमारा हाईलाइट एरिया होता है ना एक्चुअली वहीं पर मेकअप सबसे अच्छे से लगाते वक्त ध्यान देना चाहिए, करते वक्त ध्यान देना चाहिए कि वो चीज का ये जो एरिया होता है ना आपका इसको आपको जरूर कवर करना है। मैंने इसको यहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब बात आती है फाउंडेशन की। मेरी स्किन नॉर्मल है, मेरी स्किन ना तो ऑयली है और ना ही ड्राई है, इसलिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ फाउंडेशन मेबलिन का 24 फाउंडेशन फुल कवरेज। आपके पास अगर आपका स्किन जो है वो ड्राई है तो मैं एक चीज बोलूंगी कि आप स्टिक फाउंडेशन को ही चूज कीजिए, वो काफी क्रीमी टेक्सचर होता है उसका, वो अच्छे से ना मेल्ट हो जाता है स्किन के साथ, तो उस चीज पे आपको ध्यान देना है। मैं यहाँ पर इसी को यूज करूंगी। सबसे पहले मैं ऐसे डैब डैब करके इसको पूरे फेस में अप्लाई कर लूंगी जहां जहां मुझे चाहिए जो फाउंडेशन देना है। आप इसके स्पूली पे मत जाइएगा गाइस, क्योंकि इसकी स्पूली जो है मुझे से टूट चुकी है, ब्रश इसका निकल गया है। तो ये फिंगर से इस तरीके से आप मैं यहां पर आपको
हाथ से ही फाउंडेशन यूज करना बता रही हूँ, क्योंकि हर कोई ब्रश या फिर ब्लेंडर से यूज नहीं करना चाहता। जो उसके साथ करते हैं मुझे पता है उनको आता होगा तो ही वो अपने पास रखते हैं, तो ये अच्छी, इसलिए मैं हाथ से ही बता रही हूँ ताकि ये सबके लिए इजी हो सके। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से मिक्स हो गया, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि मैंने कुछ फेस पर अलग सा, या फिर ऐसा लग रहा होगा कि अचानक से मेरा फेस बहुत निखर गया इस टाइप का है। तो इसको कहते हैं नेचुरल टोन, जो कि आपके फाउंडेशन के साथ है। मैंने फाउंडेशन अप्लाई भी किया है, अच्छी क्वांटिटी में भी अप्लाई किया है। आपने देखा, ऐसा भी नहीं था कि मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया, मैंने आपके सामने अच्छी क्वांटिटी में मैंने इसका यूज़ किया। इसका यही फायदा है कि ये नेचुरल इसीलिए दिख रहा है जस्ट बिकॉज कि ये मेरे स्किन टोन का है, इसका शेड जो है वो मेरे स्किन से मैच हो रहा है। इसके लिए तो मैं एक चीज़ बोलूंगी, जब भी आप एक फाउंडेशन बाय करें तो मैंने जो चीज़ें बताई हैं उस चीज़ का ध्यान आप जरूर दीजिए। अब बारी आती है, मैं आपको एक चीज़ अप्लाई करके दिखाऊंगी, मतलब कि दूसरी बार, कि हाउ टू ब्लेंडर, मतलब ब्लेंडर से भी आप फाउंडेशन को कैसे यूज़ करें। गाइज, अब बारी आती है हमारी, मतलब मॉस फाउंडेशन की तरफ। आपको लग रहा होगा कि शायद उसका कोई ट्रिक अलग होगा यूज़ करने का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर लिया है वेट वाइप, जो मैंने पहले फाउंडेशन लगाया है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूंगी अपने फेस को। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि फेस से कुछ निकल नहीं रहा है इसके ना, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब बात आती है मॉस फाउंडेशन की। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ लैक्मे 925 का वेटलेस मॉस फाउंडेशन। इसको मैं अप्लाई करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं ऐसे इसको भी लगाना, वैसा ही एकदम इजी सा ट्रिक है। इसको हमको क्या करना है कि थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने इसको निकाला है, और ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे अपने फेस पर इसको भी अप्लाई कर लेना है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कितना नेचुरल और कितना सटल सा दिख रहा है। ये इसीलिए इतना सटल सा नेचुरल दिख रहा है गाइस, क्योंकि ये सेम मेरे शेड का है। तो अगर आपका फाउंडेशन काफ़ी फ्लॉलेस है, अच्छे से वो मिक्स हो जाता है आपके स्किन टोन के साथ, तो उसके एक फायदे होते हैं कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप फाउंडेशन अप्लाई कीजिए, काजल, लिपस्टिक्स, दैट्स ऑल। ये मैं आपको लास्ट स्टिक, मतलब लास्ट थर्ड जो फाउंडेशन है, जो कि स्टिक फाउंडेशन है, उसके साथ मैं आपको अप्लाई करके जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए, मैं इसको भी अच्छे से वाइप से इसको भी रिमूव कर देती हूँ। गाइस, अब बारी आती है हमारे स्टिक फाउंडेशन की, जो कि मैंने N5B का लिया है। इनकी शेड आप बोल सकते हो CS2 है इनका, और ये काफ़ी ड्रीमिंग है, ऑल इन वन है एक्चुअली। अगर आप इसको चाहो तो एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं इसको एज अ फाउंडेशन ही, मैंने जो शेड मंगाया है वो एज अ फाउंडेशन के हिसाब से मंगाया है। अगर मुझे कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करना होता तो मैं डार्क शेड में जाती, मुझे कंसीलर के लिए यूज़ करना पड़ता तो भी मैं शायद डार्क शेड में जाती, या फिर लाइट शेड में भी जा सकती थी अंडर आई एरिया के लिए, अगर आई मेकअप के लिए मुझे चाहिए होता तो। लेकिन मैं यहाँ पर इसे एज अ फाउंडेशन यूज़ करूँगी, क्योंकि ये फाउंडेशन है, ये ऑल इन वन है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करके आपको बताऊँगी इसको क्या करना है। आपको ऐसे देख रहे हैं कि कितना नेचुरल लग रहा है, तो आपको भी कुछ इसी तरीके से ट्रिक अपनानी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि काजल और लिपस्टिक के साथ ये कितना अच्छा लगता है। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा होता है, अच्छे से लगा होता है आपके फेस पे, तो सिर्फ लिपस्टिक और काजल यूज करने से आप कितने प्रिटी दिख सकते हो।
गाइस मैं यहाँ पर यूज करूंगी, मतलब अप्लाई करूंगी यहाँ पर सिर्फ लिपस्टिक। अब बारी आती है काजल की। तो मैं यहाँ पे स्कूल गर्ल कॉलेज गर्ल को बोलूँगी कि अगर वो लोग फाउंडेशन यूज़ करना चाहती हैं तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है। मतलब ये सारे जो भी मैंने बताए हैं, जो भी टिप्स बताए हैं, आपको इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको शॉपिंग करनी है फाउंडेशन की, और इस तरीके से आप अपने स्किन को ग्लोई बना सकते हो, और ताकि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने फाउंडेशन का यूज़ किया है। तो ये होता है ट्रिक। तो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही थी, ये सारे ट्रिक थे जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही थी। तो आप लोग जरूर बताइएगा, मतलब कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जो लोग इसमें ऐसे हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि हाउ टू यूज़ पूरा प्रॉपर ब्लेंडर कैसे यूज़ किया जाता है, मतलब फाउंडेशन ब्लेंडर से कैसे यूज़ किया जाता है वो शुरू से लास्ट तक वो जानना चाहते हैं, तो मैं उसका भी वीडियो लेके आ सकती हूँ। लेकिन उसके लिए चाहिए कि आप लोग मुझे कमेंट डाउन करो भर भर के, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को, अगर आप अभी तक नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि अभी आपके साथ और सपोर्ट की ज़रूरत हमें है। तो चलिए, तब तक के लिए खुद से प्यार करिए, खुद का ख्याल रखिए। बाय बाय।